हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कॉर्नू स्पायरल। ये जो कॉर्नू स्पायरल है ये सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंटेंसिटी की। फ्रेशनल डिफ्रैक्शन के अंदर जो भी हमें पैटर्न मिला था उस पैटर्न को हम कुछ जो है ग्राफिकल मेथड्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसी ज्योमेट्रिकल पैटर्न को जब आप एलोंग एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं तो कुछ आपको स्पायरल फॉर्म का मिलता है, वो स्प्रिंग फॉर्म का आपको मिल जाता है। और इसी पैटर्न को क्या नाम दिया गया है, कॉर्नू स्पायरल्स कहा गया है। तो अगर हम थियोरेटिकली डिफाइन करें, द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कैन ईजली एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कॉल्ड कॉर्नू स्पायरल्स। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा है किस चीज़ के, मैक्सिमा मिनिमा हमें मिल रहे हैं यहाँ पर फ्रेशनल डिफ्रैक्शन के। तो फ्रेशनल डिफ्रैक्शन के मैक्सिमा मिनिमास को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कॉर्नू स्पायरल्स कहा जा रहा है। और कॉर्नू स्पायरल्स जब अलोंग एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं और ओरिजिन अगर हमारा ओ हो तो कुछ इस तरह से हमें शेप मिल जाती है, कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन फिगर मिल जाती है हमें। तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई जो है दो एक्सेस लिए हैं, तो कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है, एक्स और वाई एलोंग कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो तभी आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय टू इंटीग्रल्स। अब ये पता कैसे चलेगा कि यही शेप बनने वाली है, तो ये जो आपको एक्स और वाई पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो हमें मिलने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टू इंटीग्रल्स। और इन इंटीग्रल्स को हमने क्या नाम दे दिया है, इनको हमने नाम दे दिया है, दीज आर नोन एज फ्रेशनल इंटीग्रल्स। ये फ्रेशनल इंटीग्रल्स हमारे हैं। तो अगर थोड़ा सा इसको एग्जांपल की फॉर्म में समझाया जाए कि कॉर्नू स्पायरल्स एक्सेप्ट में क्या दिखा रहे हैं हमें, तो याद कीजिएगा स्ट्रेट एज की वजह से फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में आपको कुछ इस तरह से पैटर्न मिला था। तो अब ये भी अगर आपको याद नहीं है तो कुछ इस कुछ ऐसा ध्यान में ले आइए कि ये जो था ये सोर्स था आपका, और ये इसके पैरेलली कंसीडर कर लीजिएगा, और ये आपके पास स्क्रीन थी। तो स्क्रीन में आपको पता है पी पॉइंट के नीचे तो इंटेंसिटी लगातार क्या कर गई थी, डिक्रीज कर गई थी। और पी पॉइंट से ऊपर, क्योंकि देखिए ये ऑब्स्टेकल आपने यहाँ लगाया था, इस ऑब्स्टेकल को आपने ए बी से रिप्रेजेंट किया था, तो ये जो ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पी पॉइंट से ऊपर जो जगह है आपको, यहाँ पर आपको इंटेंसिटी कुछ इस तरह से मिल रही थी, यानी कि यहाँ पर आपको ब्राइटनेस और डार्कनेस मिल रही थी और पूरी तरह डार्कनेस नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेशनल हाफ पीरियड जोन्स थी वो एक दूसरे को पूरा का पूरा क्या नहीं कर रही थी, कैंसिल आउट नहीं कर रही थी। तो ये पैटर्न याद कीजिएगा, ये वाला पैटर्न आपको वहाँ पर मिल रहा था। तो पी पॉइंट तो आपका ये हो गया, बिल्कुल जो पी पॉइंट है उसका पोल ओ है, तो ये आपका ये पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट को हमने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाला जो पैटर्न है इसको हमने ये यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो पी पॉइंट के ऊपर वाला पैटर्न है तो पी पॉइंट के आगे राइट साइड के अंदर हमने दिखा दिया है। तो अब ये देखिएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ आ गई, ई के ऊपर आ गई, फिर एच के ऊपर आ गई, फिर अगला पॉइंट और भी कंसिडर कर लीजिए कोई, इसी तरह से मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ गई, जी पर आ गई, और फिर आपके पास आई पर आ गई। तो ये मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन ही हमें कहाँ मिल रही है, कॉर्नू स्पायरल्स के ऊपर मिल रही है। तो कॉर्नू स्पायरल के अंदर देखिए किस तरह से हमें यहाँ पर पोजीशंस मिल रही हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि स्टार्टिंग यहाँ पर मान लीजिए कि ए बी सी पॉइंट्स मुझे दिखाने हैं, ये वाले पॉइंट ए बी और सी, तो देखिएगा ए पर तो मैं पूरी की पूरी डार्कनेस कंसिडर कर रही हूँ। तो इंटेंसिटी मान लीजिए मुझे ई की पता लगानी है, तो यहाँ इसी से तो पता लगाएंगे ना कि मिनिमम कितनी है, तो मिनिमम तो ये है, तो रेफरेंस लाइन तो आपकी ये हो गई ना, तो रेफरेंस लाइन के ऊपर ये है, तो यहाँ पर आपको डार्क मिल रहा है, तो इंटेंसिटी आप ए से पता लगाएंगे, कंपैरिजन आप ई का ए से करेंगे, तो ई पर कितनी ब्राइटनेस है वो आप ए से कंसिडर करेंगे क्योंकि ए पर डार्कनेस है। तो ए बी सी पॉइंट्स देखिए किस तरह से हम दिखा रहे हैं और डी पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो ये हैं आपके ए बी सी पॉइंट्स। तो कॉर्नू स्पायरल्स के ऊपर जब आप ए बी सी पॉइंट्स को शो करेंगे तो दीज पॉइंट्स आर योर ए बी। और अब देखिएगा ए बी हमने जो है किस तरह से दिखाए हैं, ए आपके पास पूरा डार्क है, बी भी लगभग डार्क है, सी पर थोड़ी सी इंटेंसिटी शुरू हो गई, डी पर इंटेंसिटी आपके पास बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमने ये डार्क पोर्शन दिखाया, इसी पर ए दिखा दिया, इसी पर बी दिखा दिया, उसके बाद हमने कॉर्नू स्पायरल को खोल दिया है।
तो आप जितनी ज़्यादा दूर जाएंगे ना ओरिजिन से, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है आपकी। तो सी पर देखें, इंटेंसिटी हमने ज़्यादा दिखाई है, तो ये पॉइंट्स ए और बी तो पास में थे, इससे ज़्यादा नज़दीक पॉइंट्स नहीं हो सकते। और सी पॉइंट जो है दूर दिखाया, तो इसका मतलब ये पोजीशन हमारी मैक्सिमा की है, ये पोजीशन हमारी ब्राइटनेस की है। उसके बाद हम डी पॉइंट पे पहुंच गए थे, तो ये आपके पास डी पॉइंट है। अब डी पॉइंट की इंटेंसिटी कैसे पता लगेगी? डी पॉइंट की इंटेंसिटी ए से कंपेयर करेंगे, तो ए से देखिएगा डी पॉइंट कितनी दूरी पर है, तो ये इस एम्पलीट्यूड का जब हम स्पेयर करेंगे तो दैट विल गिव द इंटेंसिटी, वो हमें इंटेंसिटी दे जाएगा। क्योंकि ए पॉइंट यहाँ है, ए डार्क है, तो डार्क पॉइंट से कंपेयर करेंगे ना कि जो आपकी ब्राइटनेस है वो कितनी है। उसके बाद हमारे पास आता है ई पॉइंट, ई पॉइंट पर ब्राइटनेस है, तो हम यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा दूर दिखाएंगे, तो ये आपके पास ई पॉइंट आ गया, तो इस पर हमारी फिर ब्राइटनेस है। उसके बाद एच पॉइंट पर फिर ब्राइटनेस आ रही है, तो देखिएगा ई के बाद एच पॉइंट पर ब्राइटनेस है, तो आप ओरिजिन से जितना दूर दिखाएंगे ब्राइटनेस उतनी होगी। तो ई पॉइंट आपका ज़्यादा दूर है, ई पॉइंट पर ज़्यादा ब्राइटनेस थी, एच पॉइंट पर ई के कंपेरिजन में कम ब्राइटनेस है, लेकिन ब्राइटनेस है, इसी वजह से आप यहाँ पर ओरिजिन से दूर दिखा रहे हैं। जबकि जो आपके जी और आई पॉइंट्स हैं वो मिनिमा को इंडिकेट कर रहे हैं, तो जी इज़ वेरी नियर बाय टू दिस ओरिजिन, तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी। आई थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो जी और आई दोनों मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आई की इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू जी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये देखिएगा कि जो आपका जी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाइएगा और आई जो है वो थोड़ा ऊपर दिखा दीजिएगा। तो जब कंपेयर करेंगे तो आई की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और जी की इंटेंसिटी कम होगी। तो कुछ इस तरह से हम हमारे कॉर्नियल स्पाइरल्स को दिखाते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है सेटअप था, और इस सेटअप से हमें यहाँ स्क्रीन के ऊपर पैटर्न मिल गया था, और ये स्क्रीन के ऊपर हमें स्ट्रेट एज का पैटर्न मिल गया था, और इस स्ट्रेट एज के पैटर्न को कॉर्नियल स्पाइरल के अंदर हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। तो तीन स्टेप में काम कीजिएगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाइए स्ट्रेट एज का, डिस्कस कीजिए स्क्रीन के ऊपर ये पैटर्न आपको क्यों मिल रहा है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद इस जो आपकी इंटेंसिटी का ग्राफ है, उस इंटेंसिटी के ग्राफ को कॉर्नियल स्पाइरल्स में आप कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ड्यू टू स्ट्रेट एज आपको कुछ इस तरह की फिगर जो है कॉर्नियल स्पाइरल्स की यहाँ पर मिल जाएगी। तो इंटेंसिटी कैसे मिलेगी, फ्रेशल जो इंट्रिगल्स हैं वो क्या होते हैं, तो उसको जो है हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ ग्राफ ऑन कॉर्नियल स्पाइरल इज द डिस्टेंस फ्रॉम डार्क और लोवेस्ट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ऑफ ग्राफ ऑन कॉर्नियल स्पाइरल्स टू दैट पॉइंट। तब इसको आप बड़ी इजी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि हर बार जी की इंटेंसिटी भी आप यहाँ से मेज़र करेंगे कितनी ब्राइटनेस है, आई की भी यहाँ से मेज़र करेंगे, ई की भी यहाँ से मेज़र करेंगे और एच की भी यहाँ से मेज़र करेंगे। क्योंकि डार्क पॉइंट डी नहीं है हमारा, डार्क पॉइंट कौन है हमारा, ये वाला है, ए यहाँ पर है, डार्कनेस हमें यहाँ पर मिली है। तो फ्रेशनल इंट्रिगल्स देखिए कैसे डिस्कस करेंगे, हम फ्रेशनल इंट्रिगल्स को कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली, किस तरह से ड्राइव किया जाएगा। कंसीडर कर लीजिए ये आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से ही आपको एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल गया है, और यहाँ पर इस रेडियस को जो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिला है उसकी रेडियस को हमने ए नाम दे दिया है। तो एस से लेकर ओ तक ये जो आपके पास है ये ए हो गया, तो एस से लेकर ए तक भी तो आपके पास ये ए हो जाएगा ना। और हमें जो है यहाँ पर हमारी स्क्रीन मान लीजिए, ये स्क्रीन आप याद कीजिएगा बी डिस्टेंस पे रखा करते पोल से, और जो नेक्स्ट जो आपका फ्रेशनल हाफ पीरियड आया करता वो बी प्लस लैम्डा बाय टू डिस्टेंस पे आया करता, अगले वाला बी प्लस टू टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय टू पे आया करता। तो ये पूरी सारी पुरानी बातें यहाँ रिकॉल हो गई होंगी आपकी। तो ये ज्योमेट्रिकल है, सारा का सारा मैथमेटिकल है, ज्योमेट्रिक्स आप बड़ी ईजिली समझ जाएंगे। हमने यहाँ पर देखिएगा क्या किया है, पी पॉइंट पे प्रकार रखा, बी जितना ओपन कर लिया है और ये एक सर्कल यहाँ पर हमने बना दिया है, ठीक है। तो ये आपके पास ओ बी, अगर बी है तो ये जो आपका बी पी है ये भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये जो डी है दैट विल गिव दिस एक्स्ट्रा लैम्डा बाय टू, ये एक्स्ट्रा लैम्डा बाय टू दे जाएगा।
तो ये हमें d की वैल्यू निकालनी है। हमने b से परपेंडिकुलर डाल दिया है ओ पी के ऊपर, इसको हमने n नाम दे दिया है। इसी तरह से a से भी हमने परपेंडिकुलर डाल दिया है और इसको हमने पॉइंट को नाम दे दिया है m। और हमने कंसिडर कर लिया है कि ये जो a से लेकर m तक का डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, इसको हमने h नाम दे दिया है। तो अब देखिएगा ये एक आपकी जो है ट्रायंगल बन चुकी है और हमें पता है S से लेकर O तक का ये जो डिस्टेंस है वो A है हमारा, और ये डिस्टेंस आपका H है, ये डिस्टेंस आपका A है। तो ये बन गई आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यू कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ SM। कैसे पता लगेगी SM की वैल्यू? अंडर रूट ऑफ A स्क्वेयर, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, माइनस में क्या कर दीजिएगा इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन हमें तो निकालनी है इसकी वैल्यू, किसकी? ओ एम की। तो ओ एम निकालने के लिए क्या करेंगे? ए में से इस वैल्यू माइनस कर दीजिए तो आपके पास ओ एम की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये साइड जो आपके पास है ये है आपकी बी, ये एच हम कंसिडर कर रहे हैं, ये एच हमने मान लिया। तो आपको पता है n से लेकर p तक ये जो आपका बेस है ये आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस में h का स्क्वायर। लेकिन हमें तो ये ओ एन निकालना है। अगर हमें ओ एन निकालना है तो ओ पी में से पी एन को माइनस कर दीजिए, तो पी एन आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है, और ओ पी कितना है? p है। तो आपके पास ओ एन की वैल्यू, यानी कि ये जो स्मॉल सा पोर्शन है इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। और इसी ओ एन प्लस ओ एन को, ओ एम प्लस ओ एन यानी कि दिस वाले डिस्टेंस को हमने अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल मान लिया? डी के इक्वल मान लिया, तो डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो अब देख लीजिएगा इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एस इज अ पॉइंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा प्रोड्यूसिंग अ स्फेरिकल वेव फ्रंट एक्स वाई, तो ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट एक्स वाई था। कंसिडरिंग ओ इज द पोल फॉर पॉइंट पी, A and B are the distance of source to O and O to P respectively. तो अब S से लेकर O जो है A है, O से लेकर P जो है वो आपका B है। The path difference between the waves traveling in directions SAP SOP is given by D is equal to SA plus AP minus SOP. तो अब ये जो एक्स्ट्रा पाथ था वो आपका डी था, तो इस डी को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एस से ए जाइए, ए से पी जाइए, माइनस कर दीजिए उसमें से, एस से ओ जाइए और ओ से पी चले जाइए। तो हमने यही किया है, एस से ए, ए से पी, माइनस में एस से ओ और ओ से पी। तो ये आपके पास आ गया है। एस से ए कौन है? ए है। ए से पी जो है वो आपका ए बी है, और ये आपके पास ए बी प्लस में बी है, और ये आपके पास एस ओ प्लस में ओ पी हमें करना था। तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। और जब आप पूरा का पूरा देखेंगे कि ये हो क्या रहा है, तो ये एस ओ प्लस ओ पी, तो ये तो ए प्लस बी आ गया। सिमिलरली एस से ए, ये तो ए हो गया। उसके बाद ए बी हमने ऐड किया और बी पी ऐड कर दिया, तो बी पी तो बी है ना, तो ये ए बी तो बच गया ना हमारा, और तो सब कुछ कैंसिल आउट ही हो गया, तो ये हमारा ए बी बच गया। इस ए बी को हम ओ एम प्लस ओ एन कह रहे हैं। तो ये देखिएगा, इस ए बी को हम ओ एम प्लस ओ एन कह रहे हैं, और इस ओ एम प्लस ओ एन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल लीजिएगा, ओ एम निकाल दीजिएगा, ओ एम आ गया था आपका ए माइनस में अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर, 1/2 पावर हो गई, ए को कॉमन निकाल दिया, एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर आ गया आपका। इस 1/2, ये एच बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू ए, तो बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ कीजिए, पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, 1/2 एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर हो जाएगा। और ये जो आपके पास ए है इसको आप अंदर ले जाइए, कैंसिल आउट जो हो रहा है वो कर लीजिएगा, ओ एम की वैल्यू आ गई एच स्क्वेयर अपॉन में 2a। इसी तरह से ओ एन की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वेयर अपॉन में 2b, और ये जो d था वो था ओ एम प्लस में ओ एन, तो एच स्क्वेयर अपॉन 2a प्लस एच स्क्वेयर अपॉन 2b, तो एच स्क्वेयर अपॉन में
2AB आप कैल्शियम आ गया, ऊपर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा A, यहाँ पर आ जाएगा B, तो एच स्क्वेयर कॉमन निकाल लीजिए, A प्लस B आ जाएगा। इफ AM इज़ द रेडियस ऑफ द nth हाफ पीरियड जोन, तो ये जो आपका AM है, अगर हम ये कंसीडर कर लें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक आते आते हाफ पीरियड जोन आपकी nth आ गई है, तो आपको पता है कि पहली हाफ पीरियड जोन अगर होती तो लैम्डा बाई टू का डिफरेंस लाती, दूसरी होती तो 2 times of λ/2 होती, अब तो यहाँ पर आ गए तो ये तो n λ/2 हो जाएगा ना डिफरेंस, तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ है वो हो गया आपका h² / 2a (a + b), और ये डिस्टेंस आपका n λ/2 हो चुका है। द पाथ डिफरेंस कोरस्पॉन्डिंग टू डी इज, तो आप ये देखिए ये तो आपका हो गया पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो पाथ डिफरेंस की जगह मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर फेज डिफरेंस, तो d अगर पाथ डिफरेंस है दैट विल डेल्टा विल बी द फेज डिफरेंस, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2π/λ (d), तो d की वैल्यू आपको पता ही है, ये ऑलरेडी हम यहाँ से निकाल चुके हैं d की वैल्यू, तो ये d की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सॉल्व करके पाई बाय टू को कॉमन लेके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर डी की वैल्यू रखने के बाद बचा उस पूरे को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, वी स्क्वेयर से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये डेल्टा जो है ये हो गया आपका फेज डिफरेंस, और वी स्क्वेयर में आपका डी आ रहा है, तो डी आपका क्या था, डी आपका पाथ डिफरेंस था, तो पाथ डिफरेंस को हमने फेज डिफरेंस से क्या करवा दिया है, कोरिलेट करवा दिया है। उसके बाद देखिएगा हमें जो है निकालने हैं हमारे फ्रेशनल इंटीग्रल्स, तो वी स्क्वेयर की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, वो कॉमन निकाल के हमने पाई बाय टू जो बचा वो हमारा वी स्क्वेयर आ गया। फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हमें इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमें डी वी की वैल्यू चाहिएगी, वी हैव टू कम्पोनेंट्स, तो सोचिएगा कि वी अगर हमारे पास एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो एक कम्पोनेंट तो हमारा डी वी का इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक कंपोनेंट हमारा वर्टिकल हो जाएगा, तो हमारे पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो एक वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम डी वी कोस डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम डी वी साइन डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये डी एक्स की वैल्यू आ गई है, ये डी वाई की वैल्यू आ गई है, डी वी की जगह डी वी रखा और कोस डेल्टा, डेल्टा की जगह पाई बाय टू वी स्क्वेयर से हमने पुट कर दिया है, तो दीज आर योर कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, और अगर आपको इंटीग्रल फॉर्म में चाहिए तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका dx cos ऑफ पाई वी स्क्वेयर बाई टू डी वी, और ये हो गया आपका साइन पाई बाई टू वी स्क्वेयर डी वी, और इंटीग्रल जा रहा है फ्रॉम 0 to V, तो दीज टू इंटीग्रल्स आर नोन एज फ्रेशनल इंटीग्रल्स, जिनको हम नाम क्या देंगे, फ्रेशनल इंटीग्रल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक क्या है हमारी फ्रेशनल इंटीग्रल्स की।